सो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपने रियल मी नार्जो 50A प्राइम मोबाइल में आप किस तरीके से किसी भी ऐप्स को हाइड कर सकते हो, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा किस तरीके से हाइड हुए ऐप्स को आप देखोगे। तो दोस्तों, आपको किसी भी ऐप्स को हाइड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी, तो आपको प्राइवेसी पर चले जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख पा रहे हो यहाँ पर एक ऑप्शन है हाइड ऐप्स, तो आपको सिंपली हाइड ऐप्स पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो है जो ऐप्स हैं सारे सारे दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी ऐप्स को आप हाइड कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर क्रोम को ऐड कर लेता हूँ। जैसे आप हाइड करोगे तो आपसे सेटिंग के बारे में पूछेगा, तो आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सेस कोड बना लेना है। सबसे पहले तो आपको पासवर्ड डाल देना है अपना, और उसके बाद यहाँ पर फिर से यूज पर क्लिक करके फिर से पासवर्ड बना लेना है। और पासवर्ड बनाने के बाद आपको सिक्योरिटी आंसर दे देना है, कुछ भी डाल करके आप राइट का निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए अब सेट एक्सेस कोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सेटिंग्स पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ से आपको हैज लगाना है और 4 अंकों का कोई भी पासवर्ड बना लेना है। 4 अंकों का पासवर्ड बनाने के बाद फिर से आपको हैज लगाना है। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर राइट का निशान दिख रहा है, तो राइट के निशान पर फिर से क्लिक करना है। और इतना करने के बाद दोस्तों, डन का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप हाइड हुए ऐप्स को देखो कि कैसे। सबसे पहले आप जिन भी ऐप्स को हाइड करना चाहते हो उनको यहाँ से इनेबल कर दीजिए, ये सारे के सारे इनेबल हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये आपके क्रोम वगैरह सब आपके होम स्क्रीन से गायब हो चुके होंगे। देख पा रहे हो यहाँ पर कहीं भी क्रोम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन ऐप्स को देखोगे कैसे, इसके लिए दोस्तों आपको डायलर में जाना है। और डायलर में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। डायलर में जाने के बाद आपको जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कीबोर्ड में चले जाना है, और कीबोर्ड में जाने के बाद दोस्तों, वही वाला पासवर्ड आपको डालना है जो अभी आपने एक्सेस कोड बनाया था। तो सबसे पहले हैज, और उसके बाद आपका पासवर्ड, और उसके बाद फिर से हैज। जैसे कर दोगे तो देखिए आपके हाइड हुए ऐप्स सारे के सारे दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी ऐप्स को हाइड कर सकते हो और उनको देख भी सकते हो।